फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डांका तहसील क्षेत्र में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा, जिससे फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया और कई फर्जी संचालक हॉस्पिटल को बंद करके भाग गए, जिसमें मौके पर तीन अस्पतालों की चेकिंग के दौरान फर्जी दस्तावेजों के कारण सीज किया गया। चेकिंग के दौरान इन तीन अस्पतालों में मौके पर कोई भी मौजूद नहीं पाया गया। वहीं मौका पाकर तीन अस्पतालों के संचालक भाग खड़े हुए। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया इन फर्जी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? जमील नाम है। कितने दिन हो गए आपको? परसों आया दोबारा। कौन ट्रीटमेंट कर रहा है आपका? ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? क्या नाम है उनका? सर, तीन हॉस्पिटल सीज किए गए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, एक की तो शिकायत थी, कोई दिल्ली करके हॉस्पिटल था एक टांडे में लालपुर रोड पर, तो वहाँ निरीक्षण किया गया, वहाँ हमें कोई मौजूद नहीं पाया गया, ना ही हमें कोई डॉक्यूमेंट शो करे किसी ने, तो वहाँ हमने एक डिस्पेंसरी और एक उसका रूम वो दोनों सीज कर लिए। फिर उसके बाद एक कोई डॉक्टर अनवर अली करके थे, तो वहाँ गए, वहाँ एक मेडिकल स्टोर था, उसकी आड़ में वो संचालन हो रहा था, प्राइवेट प्रैक्टिस वहाँ चल रही थी, तो वहाँ जो दो रूम थे उन्हें भी सील किया गया है। फिर तीसरा एक हॉस्पिटल है डॉक्टर राकेश नोरी का, तो वहाँ उसका डॉक्टर का चैम्बर सीज किया गया है। तो इन ये क्या फर्जी तरीके से चल रहे थे क्या? फर्जी तरीके से तो दो चल रहे थे, बट तीसरे का एक रजिस्ट्रेशन था। सर, अभी भी टांडे तहसील में या स्वार में कुछ ऐसे फर्जी अस्पताल हैं जो कहीं ना कहीं मरीजों की लगातार जान ले रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी? उनके खिलाफ कार्रवाई चली रही है और आगे भी चलती रहेगी।